नमस्कार दोस्तों, रेनबो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस से टॉपिक दैनिक जीवन में रसायन पर वीडियो, जो एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड, लैटिन शब्द एसिडियोस से बना है। यह सिरके में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टिक अम्ल, संतरे में एस्कॉर्बिक अम्ल, लाल चिट्टी के डंक में फॉर्मिक अम्ल, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आदि के रूप में पाया जाता है। अम्ल का प्रारंभिक गुण है कि यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये स्पर्श में साबुन जैसा व्यवहार दिखाते हैं, अर्थात मुलायम होते हैं। क्षार के उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्लों को उदासीन करने का सामर्थ्य रखते हैं तथा जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षार जल में विलय होते हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो ये तनु कहलाते हैं, और यदि जल की मात्रा तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होती है तो ये सांद्र कहलाते हैं। लवण, अम्ल और क्षार की क्रिया के द्वारा लवण और जल बनाते हैं। अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाएंगे? लवण और जल। जैसे HCl प्लस NaOH की क्रिया होगी तो NaCl लवण और जल H2O बनेगा। यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया भी कहलाती है तथा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। जिप्सम CaSO4 2H2O, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 2+3 24H2O, H2SO4, HCl, HNO3 को खनिज अम्ल कहा जाता है, जबकि पौधों व जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्लों को कार्बनिक अम्ल कहा जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग अनेक उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में, सिंक व सैनिटरी को साफ करने में विशेष रूप से काम में लिया जाता है। नाइट्रिक अम्ल उर्वरक बनाने में, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में काम आते हैं। एक भाग HNO3 व तीन भाग HCl को मिलाने पर अम्ल राज यानी एक्वारेजिया बनता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है। यह सोने जैसे धातु को भी विलय कर देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल सेल, कार, बैटरी तथा उद्योगों में काम आता। सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्लों का राजा, किंग्स ऑफ एसिड कहा जाता है। किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति की दर को उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापा जाता है। कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल भी सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को, अचार आदि को संरक्षित करने में, लकड़ी के फर्नीचर आदि को साफ करने में काम आता है। क्षारों का भी उपयोग उद्योगों में प्रमुखता से होता है। साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योगों में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। Ca2+OH2 सफ़ेदी अर्थात चूना तथा कीटनाशक एक घटक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। यह एंटा एसिड पेट की अम्लता और पेट की कब्ज दूर करने में उपयोग में लिया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट HgNO3 फोटोग्राफी में, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक तथा विस्फोटक बनाने में, फिटकरी K2SO4 Al2SO4 3+24H2O को जल के शोधन में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। pH स्केल, अम्ल व क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए pH स्केल का उपयोग करते हैं। यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है। यहाँ P एक जर्मन शब्द पुसांस अर्थात शक्ति का सूचक है तथा H हाइड्रोजन आयनों का सूचक है। सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने pH स्केल बनाई तथा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के घातांक को pH कहा जाता है, अर्थात हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक pH कहलाता है, pH-log10H+ आयन। चूँकि विलयन में मुक्त H+ आयन नहीं होते हैं, यह जलयोजित होकर H3O+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, अतः pH का मान निम्न भी होता है, pH = -10 log H3O+
एच प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच का मान उतना कम होगा। उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। उदासीन जल के लिए एच प्लस तथा ओ एच माइनस आयनों की सांद्रता 1×10⁻⁷ मोल पर लीटर होती है, अतः इसकी पीएच 7 होती है। पीएच 7 से कम विलयन अम्लीय होता है, पीएच 7 है वह उदासीन, और पीएच 7 से 14 तक है वो क्षारीय विलयन होता है। 0 से 7 अम्लीय, 7 आपका हो गया उदासीन, 7 से 14 क्षारीय। अम्लीय में जैसे HCl, जठर रस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा आदि अम्लीय हैं। पीएच 7 होती है, शुद्ध जल की पीएच 7 होती है। क्षारीय NaOH, रक्त, साबुन का पानी, सोडा युक्त पेय पदार्थ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, उदर में अम्लता, इसकी शिकायत होने पर उदर में जलन व दर्द का अनुभव होता है, निवारण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। दंत 6, मुख की पीएच सामान्यतः 6.5 के करीब होती है। पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों के इनेमल में का 6 होने लग जाता है। कीटों का डंक, मधुमक्खी, चींटी या मकोड़े जैसे किसी भी कीट का डंक हो, ये डंक में अम्ल स्त्रावित करते हैं जो हमारी त्वचा के संपर्क में आता है। इस अम्ल के कारण ही त्वचा पर जलन व दर्द होता है। अम्ल वर्षा, वर्षा जल शुद्ध माना जाता है, परंतु प्रदूषकों के कारण आजकल इसकी पीएच कम होने लगी। इस प्रकार की वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। मृदा की पीएच, मृदा की पीएच का मान ज्ञात करके मिट्टी में बोए जाने वाली फसलों का चयन किया जा सकता है तथा उपयुक्त का प्रयोग निर्धारित किया जा सकता है, जिससे अच्छी फसल की प्राप्ति होती है। दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे साधारण नमक भी कहा जाता है। यह प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का लवण होता है तथा इसकी पीएच 7 होती है। पीएच 7 होने के कारण इसकी प्रकृति उदासीन होती है। उपयोग, साधारण नमक के रूप में भोजन में, खाद्य परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है NaOH, Na2CO3, NaHCO3, विरंजक चूर्ण आदि बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन NaCl के विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसके विद्युत एनोड पर क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कैथोड पर विलयन के रूप में NaOH प्राप्त होता है। उपयोग, साबुन, कागज, सिल्क उद्योग तथा अन्य रसायनों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। बॉक्साइट के धातुक्रम में उपयोग होता है। पेट्रोलियम के शोधन में उपयोग किया जाता है। वसा व तेलों के निर्माण में काम में लिया जाता है। प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर इसका उत्पादन किया जाता है। उपयोग, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकारक के रूप में। बेकिंग सोडा NaHCO3, खाने का सोडा भी कहा जाता है। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रकार केक जैसे खाद्य पदार्थों फूलकर हल्के हो जाते हैं और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। NaCl का उपयोग करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है। उपयोग, खाद्य पदार्थों में बेकिंग पाउडर के रूप में, सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में एंटासिड के रूप में, मंद पुत्तिरोधी यानी माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। धावन सोडा, फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O, कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। उपयोग, धुलाई व सफाई में,
कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में, अपमार्जक के रूप में, कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट का अर्धहाइड्रेट। फ्रांस की राजधानी पेरिस में जिप्सम को गर्म करके सबसे पहले इसे बनाया गया था, अतः इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस रखा गया। इसे POP भी कहते हैं। उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, प्लास्टर चढ़ाने में, भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में, अग्निशह पदार्थ के रूप में। साबुन एवं अपमार्जक। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक साबुन है। यह दीर्घ श्रृंखला वाले C12 से C18 कार्बन परमाणु वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। ये वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। यह क्रिया साबुनीकरण कहलाती है। इस क्रिया में प्राप्त साबुन NaCl मिलाने से अलग हो जाता है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों से बने साबुन ही जल में विलय होते हैं। इनमें भी पोटेशियम अधिक मृदु होते हैं। इन्हें शेविंग, शैम्पू आदि बनाने में काम लेते हैं। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करता है, परंतु कठोर जल में कार्य नहीं कर पाता। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को प्रतिस्थापित कर देते हैं। अपमार्जक। अपमार्जक साबुन के जैसे ही होते हैं, परंतु कठोर तथा मृदु दोनों ही प्रकार के जल में कार्य करते हैं, अतः अपमार्जक सफाई के लिए व्यापक रूप से प्रयोग में लिए जाते हैं। अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। भौतिक परिवर्तन। ये वे परिवर्तन हैं जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण तथा अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। साथ ही परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए लोहे से चुंबक बनाना, नौसादर का उध्रुपातन, शक्कर का पानी में विलय होना, मोम का गलना, दूध क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, उध्रुपातन। रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन होता तथा नया पदार्थ बनता है। उदाहरण के लिए कोयले को जलाने पर CO2 गैस बनती है, दूध से दही का जमना, बनी हुई सब्जी का खराब होना, लोहे पे जंग लगना, जल अपघटन जिससे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, दहन यानी जलना, मोमबत्ती का जलना, खाना पकना, दूध का आस्कंदन। तत्वों की सक्रियता श्रेणी घटते क्रम में। सर्वाधिक सक्रिय तत्व है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड न्यूनतम क्रियाशील तत्व है। ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, विद्युत धन तत्व का निष्कासन, विद्युत ऋण तत्व का योग, इलेक्ट्रॉन का त्यागना आदि। अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, विद्युत धन तत्व का योग, विद्युत ऋण तत्व का निष्कासन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे का अपचयन होता है, इसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। एग्जाम्पल जिंक प्लस CuSO4 = जिंक SO4
प्लस Cu, तो जिंक का इसमें ऑक्सीकरण हुआ है एवं कॉपर का अपचयन हुआ है। अब फिर 2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2, तो यहाँ पे Fe का तो अपचयन हुआ है और कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। टू के सी एल ओ थ्री इज इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2, यहाँ पे उत्प्रेरक है MnO2। वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाने पर वनस्पति घी मिलता है, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक का काम किसने किया? Ni ने, निकिल ने। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर दो प्रकार होते हैं, समभांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक। समभांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, अभिकारक व उत्पाद तीनों समान भौतिक अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरक समभांगी उत्प्रेरक कहलाता है तथा क्रिया समभांगी उत्प्रेरण कहलाती है। विषमांगी उत्प्रेरक जब रासायनिक अभिक्रियाएँ अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न होती है तो उत्प्रेरक को विषमांगी उत्प्रेरक कहते हैं तथा क्रिया विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरकों के प्रकार चार प्रकार के होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करने वाले उत्प्रेरक को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहा जाता है। स्वतः उत्प्रेरक बना हुआ उत्पाद स्वयं ही उत्प्रेरक का कार्य करता है, उसे स्वतः उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने में जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें साधारणतः एंजाइम भी कहा जाता है। माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो तो वहाँ पे एंजाइम क्या यूज हुआ? माल्टेज। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।